हेलो एवरीवन, जैसे कि पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग आगे का वीडियो कंप्लीट करते जा रहे हैं। जैसे स्त्री केसर से आ गए, उसके अंदर भ्रूण आ गए, भ्रूण को पढ़ लिए, उसके अंदर भ्रूण कोश को पढ़ लिए, ऐसे ही करते करते एकदम डीपली अंडा तक पढ़ लिए। अंडा में कितना हिस्सा होता है, उसमें कितने कोशिकाएं होती हैं, उस सब चीज को पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था। प्लेलिस्ट जो है इसका आई बटन में दे देंगे, या फिर प्लेलिस्ट हमें वीडियो के अंतिम में जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, फर्स्ट चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक को हम लोग देखे थे। आज का टॉपिक है परागण क्या होता है, मतलब पोलिनेशन कैसे होता है। तो पोलिनेशन करने का बहुत सारे तरीका होते हैं, जैसे कि एक तरीका से एकदम एग्जाम्पल आसानी से बता देते हैं। जैसे कि कोई भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें देखिए इस तरीका से बहुत सारा उसमें छोटे छोटे होते हैं, क्या छोटे छोटे उसके बाल होते हैं, उसी में क्या होता है परागकण क्या होता है फंस जाता है, और परागकण फंस के जाके दूसरे प्लांट और या फिर उसी प्लांट के स्त्री केसर पे जाके बैठता है, तो उसी से पोलिनेशन होता है, मतलब पोलिनेशन परागकण हो जाता है, उसी को हम कहते हैं परागकण। ये जैसे कि परागकोष के परागकण वहां से बिछड़ के किसी भी थ्रू स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे कि ये प्लांट बनाए, एक और प्लांट बना देते हैं, जैसे ये बना दिए। अब इसी में ये हो गया, क्या ये हो गया पुंकेसर, और इसमें भी होता है ये पुंकेसर। अब इसी के बीच में होता है क्या, स्त्री केसर, या अब इसके भी बीच में होगा क्या, स्त्री केसर, ये हो गया पुंक केसर, और ये हो गया स्त्री केसर। तो ये परागण कैसे होगा, तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये सेम फ्लावर है, ये कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आए और इस यहाँ पर बैठ गया। यहाँ पर बैठने के बाद ये परागकोष के अंदर जो छोटे छोटे परागकण होते हैं उसके बालों में फंस जाएगा, उसी बालों में फंस जाएगा। उसके बाद यहाँ से उड़ के वो इस पे बैठेगा, और इस पे बैठ जाएगा तो इसका जो होता है ऊपरी हिस्सा, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, इस पे जाकर बैठ जाएगा। तो ये हो गया हमारा परागकण, मतलब पोलिनेशन। इस तरीका से हमारा पोलिनेशन हो जाता है। या फिर मान लीजिए अब ये पोलिनेशन टू टाइप के होते हैं, कैसे, जो ये परागकण होता है, परागकण होता है टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। प्रकार का एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। पहला होता है स्व परागण, दूसरा होता है पर परागण, दूसरा हो जाएगा। तो ये स्व परागण और पर परागण में क्या डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। यह हम लोग जान लिए पोलिनेशन टू टाइप का होते हैं। पोलिनेशन क्या होता है, दो तरीका के होते हैं, एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। स्व परागण उसे कहते हैं जो खुद ये इस पे कीड़ा कोई है और इसी फ्लावर्स के इसी वर्तिकाग्र तक जाकर पहुंच जाना, इसी फ्लावर्स का पुंक केसर और इसी का स्त्री केसर, मतलब यहां से कण यहां तक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना को हम कहते हैं स्व परागण। और मान लीजिए इसका हो गया, इसका हो गया पुंक केसर
और किसी दूसरे फ्लावर का हो गया स्त्री केसर। अब इस पे जाके बैठ जाना और ये हो गया हमारा परागण। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये मान लीजिए तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई। हम लोग जानते हैं पोलिनेशन का काम 80% मधुमक्खी ही करती है, जो 20% होते हैं इधर उधर से हो जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे में फ्लावर्स के साथ परिवर्तन होते हैं वो 80% यही करता है, ये मधुमक्खी ही करती है। जो 20% होते हैं वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। उसके बाद तितली आती है दो नंबर पर, उसके बाद बहुत सारे कीटनाशक हो गए छोटे छोटे, वो सब करते हैं। जैसे कि हम लोग भी कर लेते हैं कभी कभी परागण, जैसे कि बहुत सारा छोटे मोटे फूल होते हैं, फूल होते हैं हम लोग हाथ से इसे सहलाते जाते हैं। तो सहलाते जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो पुंकेसर का होता है यहाँ पे कण ये आ जाता है स्त्री केसर में, तो यहाँ से पोलिनेशन हो गया। इस तरीके से भी पोलिनेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हवा के द्वारा पोलिनेशन हो जाता है। जैसे कि पोलिनेशन हर मान लीजिए गेहूं लगा दिए पूरा खेत में, तो पूरे खेत में पोलिनेशन का परागण का काम तो नहीं कर पाएगा, छोटा मोटा कीड़ा मतलब फ्लावर्स में कर देता है। ऐसे मान लीजिए कि 50 कट्ठा चाहे 50 बीघा गेहूँ लगा दिए, तो गेहूँ के अंदर अगर हम लोग करना चाहें पोलिनेशन तो उतना कीड़े मकोड़े कहाँ से पोलिनेशन करेगा। तो इस चीज का गेहूँ हो गया या फिर मक्का हो गया या फिर धान हो गया या फिर सरसों हो गया, इस सब का पोलिनेशन का काम होता है हवा के द्वारा। यही क्या होता है, हवा के द्वारा एक दूसरे से हिलता है, हिलने के बाद ये यहाँ तो आएगा ही, बीच में एक है इतने सारा है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है इसकी संख्या कम होता है, तो यहाँ से कोई ना कोई यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा। इस तरीका से इसका पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लिए पोलिनेशन क्या होता है। इस तरीका से पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में कितने हिस्से होते हैं और इससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। उसके बाद वाला टॉपिक रहेगा परपरागण क्या होता है, परपरागण कैसे कैसे कर सकते हैं, परपरागण होने के बाद इससे क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है, इस चीज को देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट करो और ये जो पेज दिखाई दे रहा है उसको भी स्क्रीनशॉट करो, तब तक हम आगे बताते हैं आप सबको। यहाँ पे परागण यानी पोलिनेशन के बारे में तो समझ गए, यहाँ भी ये भी समझ गए पोलिनेशन टू टाइप के होते हैं, कौन कौन, स्वपरागण और परपरागण। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण उसे कहते हैं स्वपरागण जो कि सेम टू सेम फ्लावर्स, मतलब ये अपना फ्लावर्स अपने ये परागण खुद के अपने ही फ्लावर्स पे अपने जाति के जो फ्लावर्स होते हैं उस पे ये पोलिनेशन करता है, उसी को हम कहते हैं स्वपरागण। मतलब अपने फ्लावर्स या अपने जाति के फ्लावर्स पे पोलिनेशन होता है, उसी को कहते हैं स्वपरागण। ये भी दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे दो होते हैं तो ये देख लेते हैं। स्वयुग्मन एक होता है, स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन को कैसे समझेंगे, स्वयुग्मन परागण उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए एक फ्लावर्स है, उसी एक फ्लावर्स में बहुत सारे इसमें पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के अंदर परागण होते हैं, इसी फ्लावर्स के परागण उसी फ्लावर्स के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही पोलिनेशन होता है। उसी फ्लावर के परागण उसी फ्लावर्स के वर्तिकाग्र तक पहुंचने को हम कहते हैं स्वयुग्मक परागण। मतलब एक ही फ्लावर्स में पोलिनेशन हो जाता है, उसी को कहते हैं स्वयुग्मक परागण। दूसरा होता है सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण उसे कहते हैं, ये तो ऊपर वाला हो गया एक फ्लावर्स में, और ये हो गया अपने जाति के किसी भी फ्लावर्स में, अपने में नहीं अपने जाति के किसी भी फ्लावर्स में। मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा में बहुत सारे फूल होते होंगे, कोई दूसरा पेड़ का तो फूल होगा नहीं, दूसरे पौधा का तो फूल होगा नहीं, अपना ही फूल होगा। तो अपना जो पेड़ होता है अपने जाति का जो होता है, तो यहाँ का परागकण अपने ही जाति का इस फ्लावर का नहीं दूसरे किसी फ्लावर्स पे वर्तिकाग्र तक पहुंचना को ही हम कहते हैं सजात पुष्पीय परागकण। ये सब परागण का दो टाइप का होते हैं, एक होता है स्वयुग्मक परागण, एक होता है सजात पुष्पीय परागकण। ये दोनों हम लोग समझ गए। स्वयुग्मक युग्मन परागण होता है कि एक ही पौधा में पोलिनेशन, एक ही फ्लावर्स में पोलिनेशन हो जाए।
ये सजात पुष्पीय परागण उसे कहते हैं जो अपने जाति के किसी दूसरे फ्लावर्स में परागण की क्रिया करे, उसी को हम कहते हैं स्वपरागकण। स्वपरागण अब समझ गए, अब हम लोग देखते हैं इसका क्या लाभ और क्या हानि है। इसमें और एक दो पॉइंट है जो कि यहाँ पे ये जो पेज दिखाई दे रहा है उससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, और इसका जो लाभ होता है, लाभ इसका महत्व होता है, स्व परागण का महत्व उसको हम समझा देते हैं। स्व परागण क्या होता है, इसमें परागकण नुकसान नहीं होता। सबसे पहला बात, स्व परागण में का लाभ यही है, इसका परागकण नुकसान नहीं होता है। वो कैसे नुकसान नहीं होता है, मान लीजिए एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो जाता है तो इससे जो परागकण होते हैं उनका नुकसान होने की क्षमता नहीं होती है यहाँ पे, इसीलिए इसका ये एक और फायदा हो गया, परागकण जो होता है वो नुकसान नहीं होता है, यहीं से यहीं यहाँ पे पोलिनेशन हो जाता है एक ही फूल के अंदर, जिससे ये पहला पॉइंट हो गया। और जो दूसरा पॉइंट होता है, अपने ये जाति को बरकरार रखता है, अपने जाति को, मान लीजिए कि दूसरे फ्लावर्स के साथ पोलिनेशन कर दिया तो उसका जाति तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका लाभ यही है, अपने जाति को बरकरार रखता है हमेशा, और इससे कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है, इससे ज्यादा परागकण की आवश्यकता नहीं होती है, कम ही परागकण की आवश्यकता में अपना ये लाभ उठा सकता है। और इसका अगला पॉइंट है, और इसमें जो बेकार लक्षण होते हैं वो खुद पे खुद इसे नष्ट कर लेता है। ये क्या कहता है, अपने जाति के जो होते हैं और दूसरी जाति के कुछ इसमें अटैच हो जाते हैं तो ये क्या होता है, उसको ये नष्ट कर देता है। ये सारी इसमें लाभ हो गए, परागकण में जो स्व परागण होते हैं ये सारी लाभ हो जाते हैं, और इससे होने वाला हानि क्या है, हानि तो इससे होने वाला हानि हम सबसे पहले समझ जाते हैं कि ये अपने आप को परिवर्तन किसी दूसरे चीज में कभी नहीं कर सकता है। मान लीजिए अपने में ही खुद पे खुद जो भी करेगा, मेंढक का कुआं उतने ही दूर के बारे में जानेगा, बाहर के दुनिया के बारे में तो नहीं जानेगा, वैसे ही इसका हानि हो गया कि अपने आप के बारे में जानेगा, कुछ दूसरा चीज नहीं जान पाएगा, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ पाएगा, जितना है उतना ही है। व्हाइट फूल होता है तो व्हाइट फूल हमेशा होगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होता हो सकता है। ये हो गया हमारा नुकसान, और इससे एक और नुकसान है, जैसे मान लीजिए कि एक ही हर एक चीज में परिवर्तन होना चाहिए, अगर हर एक चीज में परिवर्तन नहीं होगा तो धीरे धीरे वीक होने लगता है। अगर आप ही को दाल चावल रोज दिया जाए, दाल चावल तो हो सकता है पांच या छह दिन के बाद कहिएगा कि ना हमको अब नहीं खा पाएंगे, इसलिए कि रोज दाल चावल खाते खाते हमारा जो बॉडी टेम्परेचर मतलब पहचान लिया है, स्वाद को पहचान लिया है कि रोज यही खाते खाते नहीं खा पाते हैं, मतलब ये पहचान लेता है, इसलिए रोज चिकन चावल दाल पुलाव ऐसा ही चेंज होते रहना चाहिए जिससे खाने में भी इंटरेस्ट आता है। तो ये क्या करता है, इसका हानि क्या हो गया, ये प्राकरण खुद पे खुद करता है, जिसके चलते इसमें सेम टू सेम रहता है और इसका वीक होने लगता है, जो प्राकरण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते जाते वीक होने लगता है। इसका ये एक और सबसे बड़ा नुकसान है, पीढ़ी दर ये जो लाभ होता है खुद पे खुद यहीं पे कर लेता है, तो इससे फायदा हुआ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पोलिनेशन हो गया तो लाभ हो गया। और बहुत सारे कण जो होते हैं, ज्यादा दूर मधुमक्खी उड़ के जाएगी तो बहुत सारा कण गिर जाएगा, एकदम छोटा छोटा है तो गिरेगा, जाहिर सी बात है गिर जाएगा, तो ये सारे हमारे लाभ हो गए। और ये इसमें नुकसान क्या होगा, खुद से खुद एक ही काम करता है, एक ही चीज खाता है तो वो अपने आप में वीक होने लगेगा, और ये जो होता है नुकसान, अपना जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहता है तो धीरे धीरे जाके आगे जाके कमजोर होता है। इस टाइप के सब इसमें सारे नुकसान होते हैं। आई होप कि आपको स्व परागण समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पर परागण क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग समझिए, ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसको भी आप लोग लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, इसको तो स्क्रीनशॉट करिए, इसको भी पेज में लिखिए, इसको इसलिए कि शॉर्टकट में आप लोग सबको याद करने में आसानी होगा। जैसे कि इतना बड़ा ये जो पेज दिखाई दे रहा है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, उसको आसानी से ये टॉपिक बाय टॉपिक देख के आप दीवार पर लगा देते हैं, या फिर दो चार दिन बाद देखेंगे तो देखेंगे स्व परागण क्या होता है। जैसे पोलिनेशन लिखते हैं, पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, इसमें कौन स्व परागण दो प्रकार का होता है, और इसमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। लाभ तो अपने आप बता दीजिएगा, हानि भी अपने आप बता दीजिएगा। ऐसा ही करके शॉर्टकट में आप कोई पेज पे लिख के शॉर्टकट में लगा सकते हैं, इसको भी स्क्रीन शॉट करिएगा, और जो पेज दिखाई दे रहा है ये सब, उसको भी स्क्रीन शॉट करके उसको लिख लीजिए, कॉपी में आप सबको हेल्प मिलेगा एग्जाम में उस तरीका से लिखने के लिए, लेकिन याद करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसा ही आप सबको करना है।
अगला हम लोग क्या टॉपिक था, पर परागण क्या होता है। तो पर परागण हम लोग समझ लेते हैं, पर परागण उसे कहते हैं जैसे कि अपना फ्लावर्स का जो परागण होता है किसी दूसरे जाति के फ्लावर्स पे जाके, किसी दूसरे जाति के फ्लावर्स के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, तो ये पोलिनेशन के बाद ये परागकण हो जाता है, पराग पोलिनेशन हो जाता है, पराग स्वपरागण ये हो जाता है, पर परागण हो जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। पहले सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पर परागण क्या होता है। जैसे कि स्वपरागण देख लिए, खुद के पौधों में अपना पर पोलिनेशन करता है, परागण करता है, उसे को स्वपरागण कहते हैं। अब पर परागण उसे कहते हैं अपना पौधा छोड़कर किसी दूसरे पौधों पे जाके परागण करना, को ही हम कहते हैं पर परागण। मान लीजिए कि अपना पौधा गुलाब का है और इधर पौधा है सूर्यमुखी का, तो इसके साथ पोलिनेशन तो नहीं हो पाएगा। गुलाब का जो परागण और सूर्यमुखी का जो वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो क्या ये पोलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अपने जाति के ही पौधा होगा, उसमें जाकर परागण करेगा, तब जाकर प्रजनन की क्रिया यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि बंदर का स्पंद बकरी में डाल दे तो होगा कभी बच्चा? कभी नहीं हो पाएगा। मनुष्य का स्पंद किसी जानवर में डाल दे, होगा कभी बच्चा? नहीं हो पाएगा। माने परिवर्तन प्रजनन की क्रिया नहीं हो पाएगा। वैसे ही हम लोग स्वपरागण में हम लोग पढ़े थे कि जैसे अपने में दो टाइप का होता है, अपने फ्लावर्स में इसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही फर्स्ट होता है, और सेकेंड वाला था अपने इसी पौधों में दूसरा कोई फ्लावर्स है उसमें जाके पोलिनेशन करता है, तो दूसरा टाइप का होगा था। स्वपरागण दो टाइप के, वैसे ही ये पर परागण को देखते हैं। पर परागण सेम जाति का अलग अलग पौधा हो, एक इस साइड हो और एक इस साइड हो, सेम जाति का हो, ये रोज है तो ये भी रोज है, यहाँ से वर्तिकाग्र जो होता है, अब इसके ये जो परागकण जो होता है और उसके वर्तिकाग्र तक जाके पहुंचेगा, दोनों सेम रहेगा, तब यहाँ पे पोलिनेशन की क्रिया हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये हो जाता है मतलब दूसरे पौधा में करने के लिए पर परागण, उसे हम कहते हैं पर परागण। ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसमें हर एक टॉपिक को लिखा हुआ है, इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लिए। और यहाँ पर देखिए एक लिंगे क्या होता है, अब इसके अंदर जाते हैं उस चीज को, परागण की क्रिया पोलिनेशन की क्रिया तो समाप्त हो गया, फिर उस पर एक बार चर्चा करेंगे। अभी चर्चा कर लेते हैं पोलिनेशन कितने टाइप का होते हैं। अब ये पोलिनेशन की विधि कितनी होती है, बहुत सारे विधियां होती हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं वायु के द्वारा पोलिनेशन होता है। पहले इसके पहले भी मैंने बता दिया था वायु के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है। हर छोटे मोटे कीड़े हर एक फ्लावर पे जाके, हर एक दाना पे जाके बैठ के प्रकरण की क्रिया तो नहीं कर पाएगा, इसलिए वायु के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। बहुत सारा गेहूं रहेगा, गेहूं एक दूसरे से हवा के साथ ये से घूमते घूमते परिवर्तन पोलिनेशन कर लेगा, ये प्राकरण कर लेगा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, इस तरीका से हवा के द्वारा पोलिनेशन कर लेता है। दूसरा कीट के द्वारा, जैसे कि कीट के द्वारा इस एग्जांपल में, इस फोटो में बहुत सारा फोटो भी दिखा दिए हैं, इसमें भी समझ में आ गया। कीट का जो छोटा छोटा बाल होता है, यहाँ पे एकदम जूमिंग करके दिखा देते हैं, ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के इतने सारे छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं, बाल तो दिखाई दे रहा है, इसी में कण फंस जाता है और दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो ये पोलिनेशन हो जाता है, तो ये छोटे मोटे कीट के द्वारा। और इसमें भी बहुत सारे कीट में 80% कीट वाला जितना पोलिनेशन होता है, तो 80% मधुमक्खी करती है, 80% मधुमक्खी करती है। उसके बाद आता है ये बटरफ्लाई, तितली आती है, उसके बाद आती है दो नंबर पे तितली। तितली परागण की क्रिया को पूरा करती है, पोलिनेशन करती है। उसके बाद जितने छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो शेष बचता है उसका पोलिनेशन की क्रिया कर पाते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये सब चीज समझ में आ गया, पोलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, मतलब दो बार इसका नाम लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहे हैं, पोलिनेशन परागण, मतलब बहुत सारा चीज होता है जिसको नॉर्मली लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में जानते हैं, इसलिए सोचा कि जो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं इंग्लिश, तो वो टॉपिक को यहाँ पे हिंदी के साथ इंग्लिश पे बोलते रहे, किसी को इसके याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्रॉस पोलिनेशन समझ में आ गया, अपने पौधों को छोड़कर अपने जाति के किसी दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, मतलब परागकण कहते हैं। स्वपरागण और पर परागण दोनों समझ में आ गया। और इसी में हम लोग देखते हैं
सॉरी, अभी यहाँ पे हम बताया थे वायु के द्वारा और कीटों के द्वारा, और यहाँ पे होता है चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा भी यहाँ पे पोलिनेशन की क्रिया होती है। चमगादड़ भी काफी बड़ा बड़ा ऐसे पंख के तरह होता है, उसमें भी कुछ फंस जाते हैं और वहां से वहां दूसरे जगह जाता है, तो वहां से भी चमगादड़ द्वारा पोलिनेशन की क्रियाएं हो जाती हैं। अब अगला देख लेते हैं जल के द्वारा कैसे पोलिनेशन होता है। तो इस चीज को हम लिखे नहीं है, खाली समझा देते हैं, आप लोग लिख सकते हो जो भी हम समझ रहे, आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा जो हम समझा रहे हैं, लेकिन इसको आसानी से आप लोग लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, कोई परेशानी नहीं होगी लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है। तो जल का जो ऊपरी हिस्सा पे बहुत सारा लत्तर वगैरह फ्लावर्स वगैरह तैरते रहती है, एक दूसरे से तैरते रहती है उसी में। तो समझिए वही तैरने की क्रिया से उसका जो छोटा छोटा प्राकण होता है वो भी पानी के ऊपर तैरने लगता है, वही चल जाता है वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है पानी के माध्यम से। तो ये पानी के द्वारा प्राकण की क्रिया हो गया, आसानी से समझ में आ गया। तब पानी के द्वारा भी प्राकण की क्रिया होता है, कैसे अभी समझ गए, फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे कि बहुत सारा कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं प्राकण, प्राकोष के अंदर प्राकण, ये वहां से पानी के फ्लो के माध्यम से वहां से निकल जाता है और कहीं जाते रहता है, कितना तो नष्ट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, कितना सारा नष्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारा सही जगह पर पहुंच जाता है जिसके कारण प्राकण की क्रिया पूरा हो जाता है। तो ये जल के द्वारा प्राकण की क्रिया पूरा होता है। और देखते हैं पक्षियों के द्वारा, तो पक्षियों के द्वारा भी प्राकण की क्रिया होती है इसी विधि से, जैसे कि यहाँ से वहाँ जाना है, उसमें भी छोटे छोटे बाल होते हैं, पैर होते हैं, या फिर कोई मान लीजिए इस पौधा पे कोई कीड़ा बैठा हुआ है, उसको खाया तो उस कीड़ा में बहुत सारा कण लगा हुआ है, वहाँ खाने के बाद फिर दूसरे पौधा पे जाके खाता है। जैसे वर्तिकाग्र पे कोई कीड़ा बैठा हुआ है, उसको जाके चिड़िया खाती है, तो वहाँ से जो कण होता है यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, नॉर्मली नहीं कर सकते, मधुमक्खी 80% करती है उस तरीका से नहीं, मतलब इसको लिस्ट में रखा गया है। पक्षी भी प्राकण की क्रिया करती है, तो इतने टाइप के पोलिनेशन होता है, प्राकण की क्रिया होती है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आप सब वीडियो आप चाहते हैं पूरा सिलेबस का, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें और आगे सब दोस्तों में भेजते रहें, जिससे हर एक टॉपिक को पढ़ने में आप सबको आसानी होगा। बहुत सारे कोचिंग होते हैं जहाँ पे हर एक छोटे छोटे टॉपिक को नहीं पढ़ा पाते हैं, नॉर्मली समझा के या फिर पढ़ा के लिखवा देते हैं। यहाँ पे हम सब आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी, और सिलेबस के थ्रू जितना भी टॉपिक है आपके बुक में, हर एक टॉपिक को यहाँ पे समझा दे रहे हैं। हो सकता है कि एक चैप्टर में 10 वीडियो, 12 वीडियो, 15 वीडियो हो जाए छोटा छोटा करके, तो उससे घबराना नहीं है कि इतना बड़ा वीडियो हो गया। एकदम अंतिम में क्या करेंगे, सब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वीडियो है, सबको मर्ज करके एक वीडियो में अपलोड कर देंगे, एक और साइड अंतिम में कर देंगे इस तरीका से। आई होप कि आप सब ये दोनों समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक बचा हुआ है, इसी के अंदर बीज। अभी प्राकण हो गया, वहां से बीज पनपता है, बीज पनपता है, तो बीज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो बीज होता है उसके ऊपर फल होता है, फल और बीज के बारे में दोनों पढ़ेंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा, इसके बाद ये दोनों वीडियो होगा, उसके बाद लास्ट वीडियो कंप्लीट हम इसका सॉल्यूशन का दे देंगे, जो एनसीईआरटी का जितना बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है सब चीज़ को यहाँ पे हम करवा देंगे, जैसे किसी को परेशानी ना हो। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, जो आ गया तो जो भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ, नीचे यहाँ पे लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको सब्सक्राइब करो और आगे दोस्तों में भी भेजिए, ऐसे ही करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम कल आते रहेगा, रेगुलर वीडियो आएगा, जिससे परेशानी ना हो सबको पढ़ने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।